नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे में जुगुरियो में। दोस्तों आज के शो में पिरामल फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करना सिखाऊंगा। दोस्तों पिरामल फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी से आपको जो है कि पर्सनल लोन इंस्टेंटली मिल जाता है। तो किस प्रकार से आपको जो है कि इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है, अगर आपको जो है पैसों की जरूरत है, आपको पर्सनल यूज में यूज करना है, तो आप जो है कि यहाँ से बहुत आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हैं बिना किसी यहाँ पर ज़्यादा डॉक्यूमेंट के। ठीक है, आपको इंस्टेंटली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्या क्या इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेंगे, सब कुछ हम जो कि इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पिरामल फाइनेंस से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एनबीएफसी कंपनी है, आरबीआई से अप्रूव्ड है, तो आपको जो है कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ऐसे ब्लैकमेलिंग का दिक्कत नहीं आएगी। चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर, हम जो है कि इसमें लाइव अप्लाई करके और यहाँ पर हम जो है ऑफर लेके देखते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे पिरामल फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने जो है कि इनके लोन प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ पर बहुत आसानी से ले सकते हैं। बट मैं आपको जो पूरा यहाँ पर डिटेल्स में बताऊँगा। अगर आपको जो किसी एप्लीकेशन या फिर ऐसी एनबीएफसी कंपनी से नहीं लेना है, आपकी बैंक से लेना है, तो मैंने ऑल बैंक का वीडियो बना रखा है। आपको जो भी बैंक से यहाँ पर लोन लेना है, आप जो दे हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं और आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जो कि आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हैं। ठीक है, चलो जो कि लोन प्रोडक्ट में आना, आपको लोन प्रोडक्ट में आने के बाद में अदर प्रोडक्ट में आने के बाद में पर्सनल लोन ऊपर ऊपर दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन वन मिनट में आपको जो कि यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बताया गया है इनके बारे में पर्सनल लोन का। उसके बाद में अप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं, ट्रैक एप्लीकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। बट इनके की फीचर हम पहले देख लेते हैं ताकि हमें जो कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन अमाउंट उनका है जो 1 लाख से 10 लाख है। आप जो कि टेन्योर यहाँ पर 5 साल की बनवा सकते हैं, यानी कि 60 मंथ की। उसके बाद में 12.99% पर एनम का इनका इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो यहाँ पर अदर जो एप्लीकेशन वगैरह है उनसे तो यहाँ पर बहुत कम है। हु कैन अप्लाई, यहाँ पर अप्लाई कौन कौन कर सकता है, ओनली सैलरीड पर्सन यहाँ पर कर सकता है। तो अगर आप जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप जो है कि मैंने आपको पहले बताया हमारे चैनल पर हर टाइप के यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे, आप जो कि चेकआउट कर सकते हैं। बट ये सील पर अभी सैलरीड पर्सन के लिए है, तो ये सैलरीड पर्सन वाले यहाँ पर वॉच कर सकते हैं ये वीडियो। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें, तो हम जब आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपके क्या क्या जरूरत पड़ेगी, जो भी यहाँ पर स्टार का है वो यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, आधार कार्ड रिकमेंडेड है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दोनों में दे सकते हैं। बट यहाँ पर यूटिलिटी बिल जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो आइडेंटिटी कार्ड में हम नहीं दे सकते हैं, हम ओनली एड्रेस प्रूफ में वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये आपके पास में डॉक्यूमेंट होना चाहिए कोई भी एक। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने जो है कि यहाँ पर इनकम डॉक्यूमेंट का क्या होना चाहिए, लेटेस्ट 1 मंथ की सैलरी स्लिप आपकी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपका होना चाहिए 3 मंथ का। ठीक है, अब को एप्लीकेंट यहाँ पर जो है कि को एप्लीकेंट का जो भी आपका स्पोज है, यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ है आप, तो यहाँ पर आपको को एप्लीकेंट के भी सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो, इफ़ रिक्वायर। तो यहाँ पर हम चलो इसमें अप्लाई करके देखते हैं। अगर आप जो कि इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सअप पर भी, तो यहाँ पर जो कि व्हाट्सअप पर इनसे बात कर सकते हैं और जो कि सारी डॉक्यूमेंट लिस्ट है आपको जो भेज देंगे, उसके हिसाब से आपको जो अप्लाई करवा के आपको यहाँ पर पेमेंट आपका बैंक अकाउंट में कर देंगे ट्रांसफ़र। चलो लोन अप्लाई नो पर क्लिक करना है। अप्लाई नो पर आप जो इसे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर की एडवांटेज एंड फीचर हमने देख लिए, फ्लेक्सिबल ईएमआई, टेन्योर वगैरह, नो चार्ज, यानी कि फोर क्लोजर चार्ज भी नहीं है यहाँ पर। अगर आप जो कि यहाँ पर एक साथ आपका लोन क्लोज करवाना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं बिना किसी चार्ज पर। ठीक है, यहाँ पर 10 लाख से एफपी कस्टमर है इनके, 10 लाख प्लस। अब कंप्लीट केवाईसी, रिव्यू लोन ऑफर और एक्सेप्ट एग्रीमेंट, आपके 3 स्टेप में आपको जो कि यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट में पैसा मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या क्या है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और सैलरी से आपका स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये जो कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आप जो पढ़ सकते हैं यहाँ पर। चलो हम जो कि अप्लाई नो पर क्लिक करते हैं। जैसे आप अप्लाई नो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो कि आपका ओटीपी आएगा, तो उसके लिए आपको जो कि मोबाइल नंबर देना होगा। तो हम जो मोबाइल नंबर देने के बाद में सिंपली कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, आपके पास में एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी सिंपली आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तो हमने जो है कि ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कर दिया है, अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास में आ चुका है। तो अब जो है कि यहाँ पर आपको चाहें तो आप अपलोड करके आपका पैन कार्ड यहाँ पर आप पूरी जानकारी फिल कर ऑटोमेटिकली हो जाएगी, अदरवाइज़ आप जो कि मैनुअल भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनुअली हम यहाँ पर फिल करके आपको बता देते हैं ताकि कोई भी किसी को दिक्कत ना आए कुछ भी। तो यहाँ पर हम हमारा जो है कि पैन कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका जो कि पूरा नाम आ जाएगा और पर्सन इंडिविजुअल आपका आ जाएगा। सिंपली आपको कन्फर्म एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर करना क्या है,
आपके पूरे डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, ठीक है। आपको बताना होगा कि आप जो कि सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो हम जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जो कि कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप जो कि सैलरीड पर्सन है तो आप जो कि सैलरीड पर क्लिक करना है। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर पर्सनल लोन सर्विस आर प्रोसेस थ्रू द पिरामल फाइनेंस ब्रांच ऑफिसेस, ठीक है। तो आपको जो है कि यहाँ पर पर्सनल जो आपका अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है आप, तो यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको जो है कि आपके ब्रांच में जाना होगा और उनको यहाँ पर वहाँ से जाके अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम शायद बैंक तो नहीं जा सकते, अगर बैंक जाते तो मैं आपको जो कि सैलरी का दिखा देता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक का कुछ दिक्कत आ रहा है। तो आप जो है कि यहाँ पर फाइंड नियरेस्ट ब्रांच पर क्लिक करना, देन आपको जो है कि यहाँ पर, ठीक है, तो हम सैलरीड पर्सन पर क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं। आपको सैलरीड का दिखा देता हूँ, आपको फाइंड ब्रांच करना अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है आप। तो अब जो है कि यहाँ पर आपको आपका एम्प्लॉयर नेम आपको सर्च करना होगा, ठीक है। तो जो भी आपकी कंपनी है उसका नाम जो है कि यहाँ पर सर्च कर लेना। तो हम जो है कि यहाँ पर सर्च कर लेते हैं जो भी हमारी कंपनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है कि सर्च कर लिया है और हम जो कि यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में आपको जो है कि आपकी मंथली इनकम बतानी है, आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो हम जो है कि हमारी मंथली इनकम यहाँ पर बता देते हैं इनको। और उसके बाद में ऑफिस की आपको ईमेल आईडी बता देनी है, जो भी ऑफिस की ईमेल आईडी है आपकी। और उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर पूरी फिल करना है अच्छे से। तो जो है कि यहाँ पर हम अच्छे से फिल कर देते हैं। और उसके बाद में मैं आपको जो कि सिंपली डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, ये सब कुछ आपको पूरा अच्छे से फिल करना है, ठीक है। तो वेरीफाइंग डिटेल्स आपकी हो रही है, उसके बाद आपको जो कि आपकी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको बताना होगा। तो जो है कि हम यहाँ पर बता देते हैं उनका ऑफिस का ईमेल एड्रेस। आपको जो है कि ऑफिस का ईमेल एड्रेस आपको वेरीफाई भी करना होगा। इस वजह से मैं तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ नहीं, तो आपको जो है कि यहाँ पर पूरी प्रोसेस आगे तक कर लेनी है। उसके बाद में आपका जो है कि आपको KYC करनी होगी आपके डॉक्यूमेंट देने के बाद में। उसके बाद में आपको जो कि यहाँ पर जो है आपको ऑफ़र दिया जाएगा, उस ऑफ़र में आपको जो है कि आप आगे आपका बैंक अकाउंट देके आपका मैंडेट करवाना होगा आपका बैंक अकाउंट से, ठीक है, ताकि ऑटो ईएमआई कट सके। उसके बाद में आपको जो है कि आपका पैसा बैंक में मिल जाएगा इंस्टेंटली। तो इस प्रकार से आपको जो है कि पिरामल फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करना है। अगर कोई हेल्प चाहिए तो आपको जो यहाँ से हेल्प पर क्लिक करके इनको कॉल भी कर सकते हैं आप, और इनको मेल भी कर सकते हैं, ठीक है, 9 to 7 PM तक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है कि पिरामल फाइनेंस से पर्सनल लोन लेना है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो मैंने आपको बता दिया, फाइन ब्रांच पर क्लिक करके आप कर लेना। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जो जाना। मिलता हूँ किसी और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।